یم تیر نه زلم یتی زلم یتی یم تیر क्या आप लोग किसी पर्टिकुलर पार्टी से बिलोंग करते हो? किसी किस्म नहीं चाहिए हो हमारा हमने किया क्या भाई बात कर रहे हैं क्या दो भाई बात कर रहे हैं मैं अपने जैसे आप अपने घर के बड़े हैं मैं भी अपने 2RR का बड़ा हूँ भाई ने किसी लड़के ने गलती करी है तो इसलिए मैं आऊँ यहाँ पे गलती हुई सर इसको पोलिटिसाइज करना ठीक बात है क्या ये जो गलती हुई है वहाँ पे बहुत बड़ी गलती हुई एक मजहबी जो है रिश्ता है उनके साथ चाहे जनरल कासिम सुलेमानी हो और ये बड़े मकतब अहले बैत के तालीमात में से ये आज के ज़माने में बहुत बड़े इंसान हैं तो उनके जो है अक्स को जलाना या उनके साथ बेहरमती करना मेरे ख़्याल से ये कोई अकली और इंसानी काम नहीं है इसके ख़िलाफ़ एहतजाज करना ये भी बिल्कुल माकूल था उस वक्त ज़रूरी भी था और जिसके नतीजे में जो सामने आया है कि उन्होंने अब माफ़ी मांगी है सरेआम माफ़ी मांगी है तो मेरा बस गुजारिश आवाम से यही है कि इतना काफ़ी है अगर उन्होंने अपनी गलती की जो है माफ़ी मांगी है तो हमें भी वो कबूल करनी ली चाहिए जो आज के हालात हैं उन पे हमें बड़ी कड़ी नज़र रखनी है जो आजकल हिंदुस्तान में हो रहा है हिजाब का मसला है दूसरों का मसला तो अभी अगर आर्मी के ऑफिसर्स जो हैं वो सामने आए हैं और उन्हें माफ़ी मांगी है तो इसी पर इस एहतजाज को ख़त्म करके अपनी ज़िंदगी जो है वो नॉर्मलाइज़ करनी चाहिए।